तो क्या तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल सर्च में कैसे लाना है, क्योंकि आप लोगों ने तो यूट्यूब चैनल बनाया होते हैं मगर आप लोगों को ये इल्म नहीं होता कि मेरा चैनल सर्च में कैसे है, कि जब भी मैं अपना चैनल सर्च करूँ मेरा चैनल टॉप पर आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये मेरा चैनल है जॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, ये सर्च में आता है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि सर्च में कैसे आता है। आपने क्या करना है, अपने चैनल का नाम लिखना है जॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सामने आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये सिंपली जो सबसे टॉप पे है ये मेरा चैनल है, आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेरे चैनल है। तो आप लोगों ने इसी तरह अपने चैनल को कैसे आप लोगों ने लेकर आना है कि जब भी आप अपने चैनल सर्च में अपने चैनल का नाम दें और आपके चैनल टॉप पे आए, उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस जो हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे के बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। आप लोगों का चैनल सर्च में खुद ब खुद आएगा और सबसे टॉप पे आएगा। जब भी आप लोग अपने चैनल को सर्च करोगे तो आपका चैनल लाजमी आएगा सर्च पे, सबसे टॉप पे आएगा और सर्च में आएगा, ठीक है। अभी ये मेरा चैनल है तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपना चैनल सर्च में कैसे लेकर आना है, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अभी आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि जब आप लोगों के सामने y2studio.com ओपन हो जाते हैं तो आप लोगों ने इसमें नीचे जहां तीर का निशान आप लोगों को सेटिंग दिखा रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग क्या करें, सिंपली क्लिक करें, क्योंकि सबसे नीचे सेटिंग है। अभी सेटिंग आप लोगों के सामने ओपन हो रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस आ चुका है। इस तरह इंटरफेस आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे आप आ गए हो चैनल के ऊपर, आप लोगों ने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग एंड फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है। अभी फीचर एलिजिबिलिटी और ये तमाम चीज़ों पे मैं बाद में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिक इन्फो में आप लोगों ने क्या करना है। अभी यहाँ पर लिखा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, अभी आप देख लें। मेरे चैनल का जो नाम है वो जॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। अब आप लोग देखें कि मैंने जॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स कितनी मरतबा यहाँ पे लिखे। आप लोग इसी तरीके से अपने चैनल का नाम लिखोगे, यहाँ पे आप लोग उसको इंसर्ट करोगे, उसको ओके करोगे। इसके अलावा ये जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के अलावा आप लोगों को कुछ वर्ड्स और नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि आप लोग कोई भी वीडियो जब अपलोड करते हो उस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए उस वीडियो का जो लिंक है वो, उसका जो टाइटल है वो, आप उस वीडियो को अपलोड करने के 10 मिनट के बाद वो टाइटल वहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप लोग उसी टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव करें तो फिर आप लोग क्या हो जाते हैं, उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने चैनल का नाम अगर सर्च में लेकर आना है, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है और उस यूट्यूब चैनल का नाम सर्च में नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरीके से सेटिंग में जाना है y2studio में, और सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आ जाना है चैनल पे। चैनल पे आने के बाद सबसे टॉप फर्स्ट ऑप्शन पे आने बेसिक इन्फो, और ये जो नीचे जहाँ पे कीवर्ड्स लिखा है इस कीवर्ड्स में आप लोगों ने अपने चैनल के कम अज़ कम 6-7 नाम लिखने हैं, उनको आगे पीछे पेश करके आप लोगों ने लिखने, कभी इकट्ठे लिखने हैं, कभी अलग अलग लिखना है, कभी एक साथ लिखना है। तो इंशाल्लाह आप लोग जब इसको सेव करोगे, यहाँ से नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। यहाँ आप लोगों ने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी सेव करने के बाद ये देख रहे हैं कि मेरे जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। अभी आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने इसी को आप लोगों ने छोड़ देना है, इस पेज को आप लोगों ने मिनिमाइज़ कर देना है और यूट्यूब पर चले जाना है। ये तमाम ऑप्शन करने के बाद आप लोगों ने यूट्यूब पर जाना है, और YouTube पे जाने के बाद आप फिर यहाँ पे क्या सर्च करें, जॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स, आप लोगों का जो भी चैनल है उस चैनल का आप नाम सर्च करें। जब आप उसका नाम सर्च करोगे तो आपका जो चैनल है उसका नाम टॉप पे आएगा, जिस तरह मेरे चैनल का नाम टॉप पे आ रहा है और आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपने क्या, आप लोग अपने चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं और अपने चैनल को सबसे टॉप पे भी लेके आ सकते हो। तो एक सिंपल तरीके से, इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, अपने चैनल सर्च में लेकर आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कांड मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।